हमने बौद्ध सर्किट भी बनाया, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर का लांगा भी खुलवाया, जो कोई नहीं करवा पाया। पंडित नेहरू की गलती थी जिन्होंने आजादी के समय, पार्टीशन के समय करतारपुर का हमारा गुरुद्वारा भी उस तरफ छोड़ दिया। दूरबीन लगाकर दर्शन करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, हमारी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया और हेमकुंड साहब में रोपवे बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का मनाया, 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का, 350वां गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी का हमारी सरकार ने मनाया है। और यही नहीं, अगर साहिबजादों का अगर साहिबजादों की शहादत पर भी अगर पूरे देश ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाया, तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच। अरे आपके समय तो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था हरमंदर साहब में, क्या क्या हुआ, और 84 के दंगे देश भूला नहीं है। सिखों का कत्लेआम ये कांग्रेस की सरकार के समय ही हुआ था। हमने बौद्ध सर्किट भी बनाया, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर का लांगा भी खुलवाया, जो कोई नहीं करवा पाया। पंडित नेहरू की गलती थी जिन्होंने आजादी के समय, पार्टीशन के समय करतारपुर का हमारा गुरुद्वारा भी उस तरफ छोड़ दिया। दूरबीन लगाकर दर्शन करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, हमारी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया और हेमकुंड साहब में रोपवे बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का मनाया, 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का, 350वां गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी का हमारी सरकार ने मनाया है। और यही नहीं, अगर साहिबजादों का अगर साहिबजादों की शहादत अगर साहिबजादों की शहादत पर भी अगर पूरे देश ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाया, तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच। अरे आपके समय तो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था हरमंदर साहब में, क्या क्या हुआ, और 84 के दंगे